ये किसी झील या तालाब का मंजर नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शी पुल के मनाजिर हैं, जहां गंदे पानी के नाले ने दाखिल होकर तुलबा को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। प्राइमरी स्कूल के करीब से गुजरने वाला नाला एक माह से बंद पड़ा है। नाला बंद होने के बाद आए रोज उबल पड़ता है और स्कूल की इमारत इस तहफनजिंदा पानी से भर जाती है। बच्चों को स्कूल के सैन में कड़े गंदे पानी से गुजरकर जाना पड़ता है। तहफन और बदबू इतनी ज्यादा होती है कि स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। स्कूल में गंदा पानी दाखिल हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते। हम चल फिर नहीं सकते और ना कमरों के अंदर जा सकते हैं, इसलिए एक हफ्ते की छुट्टी है। असातिज़ा भी इस सूरत-ए-हाल से परेशान हैं, जिनका कहना है कि बार बार छुट्टी देने से यहाँ से तालीम 1100 तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। इस सारे सहन में पानी होता है और बच्चे जो है वो अंदर नहीं आ सकते, पानी गंदा पानी है, तो इस हालात में हम बस कर रहे हैं अपना जो हमसे हो सकता है। बच्चों की इस तरबियत गाह के दरवाजों और क्लासरूम की हालत इजार भी देखने के लायक। कैमरामैन नौत हयात के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।